अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज बनाएंगे जो साइज नंबर 4 और 5 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा आप बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसके लिए मैंने वूल जो ली है वो 5 प्लाई की है और नीडल जो है वो 7 नंबर के हैं। आप किसी भी तरह के नीडल पर इसको बना सकते हैं, स्ट्रेट नीडल पर भी और सर्कल नीडल पर भी। मैं दोनों नीडल्स का इस्तेमाल करूंगी। चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। ये 2 कलर की बोल है और जैसा मैंने आपको बताया कि 7 नंबर नीडल है और इसके लिए हम लंबा धागा निकालेंगे ऐसे और इस तरह से एक फंदा जो है वो बना लेंगे हम और इसे नीडल में उतार लेते हैं। ये जो साइड है ये टाइट किसी चीज में हम लपेट लेंगे। 2 उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह से मोड़ें और फंदा बना लें। तो ऐसे ही हम फंदे बनाते जाएंगे 28। चलिए अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा हम बुनेंगे। फर्स्ट रो को हमें इसी तरह बुनना है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। उल्टा सीधा बुनते हुए हमने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है और लास्ट का फंदा उल्टा आएगा तो उसे उल्टा ही बुन लेना है। दूसरा रो को हमें कुछ इस तरह से बुनना है। फर्स्ट फंदे को हमें बिना बुने निकाल लेना है और अगले फंदे को बुन लेना है उल्टा, क्योंकि ये उल्टा फंदा ही है। और जो सीधा फंदा है उसे हमें इस तरह से बुनना है। ये जो नीचे का स्टिच है यहां से हम इसको बुनेंगे ऐसे। बस सीधे फंदे को हमें इस तरह से बुनना है, उल्टे फंदे को हमें सेम वैसे ही बुनना है जैसे फर्स्ट रो में हमने बुना था। तो ऐसे ही दूसरे रो को हम पूरा करेंगे। अभी हमें वाई कलर को कट कर देना है। आगे की बुनाई हम येलो कलर के साथ करेंगे और फर्स्ट फंदे से ही हमें कलर को ऐड कर लेना है और साथ ही साथ जो व्हाइट कलर है उसे साथ में हम लपेट भी लेंगे। तो ऐसे दोनों जो धागे हैं वो इस तरह से आगे की तरफ रखेंगे और अगले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। ये फंदा हमें नीचे की तरफ से ही बुनना है। बुनाई सेम ही होगी जैसे हमने दूसरे रो को बुना था। तो ऐसे ही हम इसको बुनना कंटिन्यू रखेंगे आगे। 20 रो बुनने के बाद इसकी लंबाई जो है वो 11 सेंटीमीटर तक हो गई है और चौड़ाई अगर हम मेजरमेंट करें तो ये है जी 16 सेंटीमीटर तक। अभी हमें 12 फंदों की बुनाई इस तरफ और 12 फंदों की बुनाई इस तरफ सीधे सीधे करनी है और बीच में जो 4 फंदे होंगे वो हम उल्टा सीधा बुनेंगे और साथ ही साथ हम फंदों को बढ़ाते भी चले जाएंगे और यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे और आगे की बुनाई जो है वो कुछ इस तरह से करनी है। बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको बनाना। ये देखें, यहाँ से हमें कलर को चेंज कर लेना है और साथ ही साथ ये वाला जो धागा है इसे हम लपेट लेंगे और ये जो धागा है आगे की तरफ रख कर इसको हम फोल्ड कर देंगे। 2-3 स्टिच इसी तरह करेंगे। ये 3 फंदे हो गए हैं जो हमने बुनाई कर लिए हैं। आगे
हमें करनी है 12 फंदों की बुनाई है, 4 हो गए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अभी हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेना है ऐसे, तो यहीं पर हम एक मार्कर भी लगा लेंगे और आगे 4 फंदे बुनकर एक मार्कर लगा लेना है। 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर हम एक मार्कर लगा लेंगे और फिर से हमें एक फंदा बढ़ा लेना है और इधर देखें ये 12 फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे हमने शुरू में छोड़े थे एंड पे भी उतने ही हैं। लास्ट का स्टिच आपको उल्टा करके ही बुनना है एंड तक। ये फर्स्ट रो है जो हमने कंप्लीट किया है। अभी अगला रो देखें। अभी हमें 13 फंदों की बुनाई सीधे सीधे करनी है और जो बीच के ये 4 फंदे हैं ये हम उल्टा बुनेंगे, उसके बाद कलर चेंज करके सेम ऐसे ही जैसे हमने ये 2 रो बुनाए हैं तो ऐसे ही हम आगे की बुनाई करेंगे। अभी ये 13 फंदे हो गए हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे और मार्कर को इस तरफ कर देते हैं और ये जो स्टिच हैं ये हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, मार्कर को अपनी तरफ और यहाँ से सीधा सीधा बहुत ही इजी है इसको बनाना। ऐसे हमारे साथ साथ फंदे बढ़ते जाएंगे और बुनाई भी हमारी आगे होती जाएगी। अभी हम फिर से कलर चेंज करेंगे, फर्स्ट फंदे से ही हमें कलर चेंज करना है और ये वाले धागे को हमें नीचे की तरफ रखना है और ये वाले धागे को ऊपर की तरफ लाना है जो जिस धागे के साथ आपको रो बुनना है। ये 13 फंदों की बुनाई हमने कर ली है और यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और मार्कर को करेंगे इस तरफ और साथ ही साथ ये जो फंदे हैं ये हम 4 सीधे सीधे ही बुनेंगे क्योंकि अभी हमारी बुनाई जो है वो सीधी तरफ से हो रही है। बस उल्टी तरफ से ही इन 4 फंदों को चेंज करना है और साथ ही साथ मार्कर को इस तरफ करेंगे और यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। अभी हमारे साइड के जो फंदे हैं वो 14-14 हो गए हैं दोनों तरफ से और बीच में जो है वो 4 फंदे हैं। लास्ट का स्टिच उल्टा करके फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे से बुनना शुरू कर देंगे। अभी ये 14 फंदे हैं जो हम सीधा सीधा बुनेंगे।
और चार फंदों को हमने बुनना है उल्टा। मार्कर चाहे आप ना भी लगाएं तो भी आप इसकी बुनाई कर सकते हैं, क्योंकि बीच में जो उल्टे सीधे फंदे हैं वहां से आपको पता चल जाएगा कि यहां से हमने फंदों को जो है बढ़ाना है। तो ये इस तरह से उल्टी साइड से नजर आएगा और सीधी साइड से कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो ऐसे ही हम इसको बुनना कंटिन्यू रखेंगे आगे। यहां से लेकर यहां तक मैंने 36 रो बुने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 लाइनें यहां पर दिखाई दे रही हैं। और अगर हम इसका मेजरमेंट करें तो इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर तक हो गई है। तो आगे की जो बुनाई है वो कुछ हम इस तरह से करेंगे। यहां से हम 8 फंदों की बुनाई करेंगे नीचे की तरफ, और साथ ही साथ ये जो फंदे हैं ये हम बंद करते चले जाएंगे। आगे की बुनाई में हम व्हाइट कलर को नहीं लगाएंगे, तो यहां पर व्हाइट कलर को मैंने कट कर दिया है, तो येलो कलर के साथ ही हम आगे की बुनाई करेंगे। यहां पर मैंने सर्कल नीडल का इस्तेमाल किया है जो कि सेम नंबर की है, 4.5 mm। ये जो नीडल है इसके साथ भी आप आगे की बुनाई कर सकते हो, तो ये भी 4.5 mm की ही है, सेम नंबर की नीडल जो है वो आगे हमें इस्तेमाल करनी है। तो दोनों के साथ आप बुनाई कर सकते हो, इसके साथ थोड़ा सा इजी रहता है। तो चलिए अब आगे बुनते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो टोटल फंदे हैं ये हो गए हैं 64। तो 8 फंदे हम बीच में रखेंगे और 28 फंदे इस तरफ और 28 फंदे इस तरफ। अभी ये जो धागा है इसे हम साथ में फोल्ड कर लेंगे। 2 हो गए हैं, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 28 फंदे हैं जो हमने अभी बुने हैं। और यहाँ के जो 8 फंदे होंगे ये वाले, ये बीच के 4 फंदे हैं, 2 फंदे हमने इस तरफ से ऐड कर लिए, 2 फंदे हमने इस तरफ से ऐड कर लिए, और ये जो फंदे हैं ये भी 28 हैं, ठीक है। तो इस तरह से बीच के फंदों का हम हिसाब रखेंगे। तो यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहीं से हम टर्न करेंगे, फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतार लेना है और अगले फंदे से बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी ये जो 8वां फंदा है इस फंदे के साथ हम इस फंदे को मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे पीछे से बुनते हुए। अभी फिर से हम बुनेंगे 7 फंदे और 8वें फंदे के साथ ये वाला फंदा मिला लेंगे। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतार देंगे, 2,
तीन चार पांच छ सात और आठवें फंदे के साथ मिलाएंगे ये वाला फंदा और दो फंदों का एक पीछे से बुनते हुए। अभी यही फंदे हमें बार बार बुनने हैं। फिर से टर्न करेंगे और ये वाले फंदे को निकालेंगे बिना बुने, दो तीन चार पांच छः सात। तो यहीं से टर्न करेंगे, फिर से हमें फर्स्ट फंदे को निकाल लेना है तो सात फंदों की बुनाई करेंगे। आठवें फंदे के साथ मिलाएंगे ये वाला फंदा और दो फंदों का एक करेंगे। तो ये इस तरह से जो है मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें बार बार इसको रिपीट करते जाना है आठ फंदों को, और साथ ही साथ ये वाले फंदे जो हैं वो कम करते चले जाने हैं। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। ये सारे फंदे मैंने बंद कर दिए हैं, अभी तीन फंदे इस तरफ हैं और तीन फंदे इस तरफ हैं। अभी हम बीच के फंदों को भी कम करेंगे, वो देखे किस तरह से। अभी हमें बुनाई यहाँ तक करनी है, यहाँ के दो फंदे जो हैं वो भी हम कम करेंगे और साथ ही साथ ये भी कम करेंगे। अभी यहाँ पर दो फंदों का एक कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ इन दो फंदों का एक करेंगे और यहीं पर से टर्न करेंगे। फर्स्ट फंदे को हम निकाल लेते हैं और आगे के फंदे बुनेंगे और फिर हम फिर से बीच के फंदों को कम करेंगे। यहाँ से दो फंदों का एक और फिर से दो फंदों का एक। तो ऐसे ही दोनों साइड से हम फंदे कम करते जाएंगे और बीच के फंदे भी हमारे कम हो जाएंगे। जब हमारे पास बीच में तीन फंदे रह जाएंगे तो फिर तीन फंदों का एक बना देंगे। इन दो फंदों का एक किया और यहीं से फिर से टर्न करेंगे और अभी हमें एक फंदा जो है निकाल लेना है और एक फंदे को बुनना है और यहाँ से दो फंदों का एक करेंगे और फिर से दो फंदों का एक करेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ एक एक फंदा है और बीच में चार फंदे हैं। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदे को हमें निकाल लेना है और अगले दो फंदों का हमें एक कर देना है और फिर हमें दो फंदों का एक कर देना है। अभी हमारे पास टोटल चार फंदे हैं तो इसमें हम एक फंदे को निकाल लेंगे। अभी हमें क्या करना है, एक फंदे को निकाल कर एक फंदे को बुन लेंगे और इन दो फंदों का एक कर देंगे और अभी हमारे पास बीच में आ गए हैं तीन फंदे। अभी हमें जितना धागा चाहिए उतना हम जो है कट कर लेंगे। अभी हमें इन तीन फंदों के बीच में से ये सारे का सारा जो धागा है वो पास कर देना है। तीन फंदों का एक बनाएंगे और पूरा जो है धागा उसके बीच में से निकाल देंगे। ऐसे और इसी धागे के साथ हम ऊपर की स्टिचिंग भी करेंगे। इसी धागे को मैंने नीडल में डाल लिया है। अभी हम स्टिच कैसे करेंगे, यहाँ से स्टिच को उठाना है और यहाँ से उठाना है, फिर यहाँ से उठाना है, फिर यहाँ से उठाना है। तो इस तरह से इसकी स्टिचिंग होगी। तो यहाँ से ऐसे उठाएंगे और यहाँ से फिर ये वाला एरिया
और फिर ये वाला एरिया। बस स्टिच के साथ स्टिच को मिलाते जाना है और इसको सिलते जाना है। व्हाइट के साथ व्हाइट स्टिच को और येलो के साथ येलो स्टिच को आप इसको सिलना है। तो ऐसे ही हमें स्टिच के साथ स्टिच को मिलाते जाना है और इसको सिलते जाना है। कोई भी स्टिच जो है वो हमें मिस नहीं करना है। ये ऊपर का भाग भी हमें सेम वैसे ही सिलना है जैसे हम नीचे सिलते आ रहे थे। तो धागे को खींचते वक्त ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा ही धागा आपको खींचना है ऐसे। अभी ऊपर के हिस्से में हम धागे को दो तीन बार घुमाएंगे इस तरह से और थोड़ी सी करेंगे बैक स्टिचिंग। धागे को नीचे की तरफ जाकर हम इसको जो है एक नॉट लगाकर इस तरह से फिर थोड़े और नीचे की तरफ स्टिच लेंगे ताकि धागा निकले नहीं, तो इसको कट कर देंगे। तो स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आइए अब हम इसको पहन कर देखते हैं। पहनने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।